नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं काम करने की कोई उम्र नहीं होती और उम्र कोई बंधन भी नहीं बनती कि आप कब तक काम करते रहना चाहें। और काम करते रहने वालों को हम कर्मयोगी कहते हैं। और हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही कर्मयोगी हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं और 85 साल की उम्र में भी काम कर रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर स्नेह भार्गव। कभी कभी कुछ लोगों का जीवन उनके कर्म इतिहास का दस्तावेज बन जाता है। ऐसी ही एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर स्नेह भार्गव। पिछले 6 दशकों से रेडियोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी डॉक्टर स्नेह भार्गव दिल्ली ही नहीं देश की जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट हैं। पिछले 6 दशक से रेडियोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी डॉक्टर स्नेह भार्गव दिल्ली की ही नहीं देश की भी जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट हैं। देश में रेडियोलॉजी की जो मौजूदा सुविधाएं हैं, जो स्वरूप है, वो निसंदेह इनके अथक प्रयास का नतीजा कही जा सकती है। दौर 50 के दशक का था जब भारत में महिला डॉक्टर तो दूर, पुरुष डॉक्टर भी रेडियोलॉजी में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे। ऐसे में स्नेह भार्गव ने रेडियोलॉजी को ही अपना करियर बनाया और रेडियोलॉजी के बारे में विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण की। फिर भारत आकर बड़े बड़े अस्पतालों में रेडियोलॉजी के इक्विपमेंट्स लगवाए। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की निदेशक रह चुकी डॉक्टर भार्गव को 1991 में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। आज भी 85 वर्ष की आयु में पूरी तन्मयता से अपने मिशन में जुटी डॉक्टर स्नेह भार्गव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की कर्म योगिनी डॉक्टर स्नेह भार्गव से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्नेह भार्गव। तो लग नहीं रहा आपको देख के कि आप इस उम्र में हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से काम कर रही हैं और अपने आप को समर्पित किया हुआ है, कहाँ से आती है ये एनर्जी? इनबॉर्न है ये एनर्जी, तो कोई खास चीज नहीं करती। जस्ट आई लीड अ रेगुलर लाइफ, दैट इज टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे काम करना, टाइम पे सोना, दैट्स अबाउट, यही करती हूँ और दिस कीप्स मी गोइंग। जी, तो डॉक्टर स्नेह भार्गव, आपने मतलब अगर आपके पीछे हम थोड़ा मुड़ के देखें तो आपने रेडियोलॉजी को चुना। अक्सर लोग दूसरे, खासतौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो दूसरे क्षेत्रों में जाती हैं, लेकिन आपने उस वक्त रेडियोलॉजी को चुना। इसकी कोई ख़ास वजह थी क्या? ये वजह थी कि सब लोग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी करना चाह रहे थे और मैं सोच रही थी कि कुछ हटके करूँ। कोई रेडियोलॉजी नहीं करता था उस वक़्त दिल्ली, इन दिल्ली एक ही वुमन रेडियोलॉजिस्ट एक ही थी जो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी थी, लेडी हार्डिंग। और जब मैं हाउस जॉब ख़त्म कर रही थी तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन मी, क्योंकि और कोई जाता ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो व्हाई डोंट आई ट्राई टू डू रेडियोलॉजी, बिकॉज इट लेट्स यू एग्जामिन पेशेंट्स फ्रॉम हेड टू टो। ये नहीं है कि स्पेशलाइज्ड एरिया है, सिर्फ ब्रेन देखो, सिर्फ हार्ट देखो, या सिर्फ मेडिसिन करो या सर्जरी करो। रेडियोलॉजी कट्स थ्रू ऑल डिसिप्लिन्स। सो आई फेल्ट के दिस इज़ अ गुड थिंग, आई वुड लाइक टू सी अ पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो, एंड रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सीम टू बी The two subjects that came to my mind. तो रेडियोलॉजी तो उस समय वो स्याह सफ़ेद तस्वीरें ही होती थी और तो कुछ था? कुछ नहीं था, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी। और ऑल माई फ्रेंड्स दे सेड क्या करोगी, सारी उम्र ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही देखती रह जाओगी और कुछ नहीं करोगी। तो मैंने कहा देखो मे बी दे बिकम टेक्निकलर बाय द टाइम वी फिनिश, एंड आई कैन से कि वाकई यही हो गया है।
जो प्रोग्रेस रेडियोलॉजी ने करी है और मेडिसिन एज अ होल प्रोग्रेस बहुत हुई है, बट स्पेशल प्रोग्रेस रेडियोलॉजी में हुई। तो डॉक्टर साहब उस समय क्या था रेडियोलॉजी में, सिर्फ एक्सरे होते थे? सिर्फ एक्सरे होते थे, एक एक्सरे हो गया मैक्सिमम, एक्सरे चेस्ट के होते थे टीबी ना हो देख लेना, और बोन्स के होते थे फ्रैक्चर है तो उसको सेट कर दो, और शुरू में तो यही था, बेरियम पला दो, अल्सर है तो वो देख लो। अच्छा, बस यही कुछ होता था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो फिर एडवांस स्टडीज़ के लिए आप फिर बाहर चली गई थी? हाँ, फिर मैंने सोचा कि अब मैंने अगर रेडियोलॉजी करनी है तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर मैं इंग्लैंड चली गई। तो डॉक्टर साहब उस समय तो इंग्लैंड जाना कोई आसान काम थोड़ी था? नहीं, बट माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एंड दे सेड इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन गो टू इंग्लैंड, ठीक तरह से ट्रेन होके आओ और जैसे तुम्हें अच्छा लगे वही करो, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रही थी कि आपके फैमिली में तो कोई ऐसा डॉक्टर्स थे नहीं, आपके फादर आप बता रही थी जज थे, दादा भी जज थे, तो आप मेडिकल में मतलब कहाँ से आपका इंटरेस्ट उस समय जाग गया? वो मुझे लगता है कि शुरू से कोई अंदर से ही आवाज़ थी। क्या क्या कहती थी वो आवाज़ आपको? हाँ, गुड़ियों का इलाज करना है। हाँ, और मैं अपने टॉयज गुड़ियों को भी बीमार बना के उनकी ट्रीटमेंट कर देती थी, अस्पताल खोल लेती थी। अच्छा। कि और अपनी सिस्टर को भी लटा देती थी, एंड माय मदर यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड सेइंग कि ये बीमार इसलिए हो जाती है, यू मेक हर सिक एवरी टाइम। जी, तो फिर उस समय क्या मतलब घर वाले भी तो कहते होंगे ना कि इतना लंबा कोर्स है, अक्सर कहते हैं ना? हाँ हाँ, तो हाँ, माय मदर वाज वेरी कंसर्न, शी सेड के बड़ा लंबा कोर्स है, कब ख़त्म होगा, 7 साल लग जाएंगे, तो तुम अपने डैडी की तरह जज क्यों नहीं बन जाती, लॉयर बन जाओ। तो मैंने समझाया उनको कि देखो 7 साल लगेंगे अगर मैं बीए और लॉ करूं, और 7 साल लगेंगे मैं एफए और मेडिसिन करूं, तो फिर मुझे मेडिसिन क्यों नहीं करने, मेरा मन है मेडिसिन करने का। सो देन माय पेरेंट्स गेव इन, फर्स्ट क्लास आएगा तो कर लेना। तो फर्स्ट क्लास जब आ गया एफएससी में तो फिर उन्होंने मना नहीं किया, बिल्कुल सपोर्ट किया थ्रू आउट माई स्टे इन लेडी हार्डिंग एंड देन माई स्टे इन इंग्लैंड, दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट। तो उस समय तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी स्कॉलरशिप भी नहीं थी और इंग्लैंड कोई यहाँ पे रखा नहीं था, कैसे गई थी आप, कितने दिन लग गए? 12 दिन लग गए। आई वेंट ऑन बोट कॉल्ड एशिया। अच्छा, शिप से आप? एयर कंडीशन बोट थी। हाँ, 12 दिन लग गए, जिनोवा लैंड किया। 55 की बात है, वॉर, वर्ल्ड वॉर टू अभी ख़त्म ही हुई थी, यूरोप वॉज स्टिल इन अ लॉट ऑफ टर्मोइल, तो जिनोवा जाके लैंड किया, फिर क्रॉस कंट्री यूरोप जाके। तो आप अकेली चली गई, आप शिप में बैठी? हाँ, अकेली चली गई। डर नहीं लगा आप? नहीं नहीं, वो तो टाइम अलग था। नहीं नहीं, कोई डर नहीं था, एक ही एम था कि कुछ सीख के आना और वापस आना। अच्छा, ये वॉज वेरी क्लियर। अच्छा, फिर आपने वहाँ पे एडवांस कोर्स किया, तब आपको ये नहीं लगा कि मैं यहीं रुक जाऊँ? बहुत बार लोग सोचते हैं भाई वापस क्या जाना है। हाँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं और रह भी जाते थे। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, आई वॉज वेरी क्लियर कि जाऊँगी, ट्रेन होंगी वापस, आई वुड कम बैक एंड सर्व माई कंट्री। तो फिर आप वापस आ गई? वापस आ गई उसी ऐसे टाइम पे वापस आई कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ कर्मयोगी पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर स्नेह भार्गव मौजूद हैं, जिनसे हम उनके बारे में जान रहे हैं। तो डॉक्टर स्नेह भार्गव, उसके बाद ये मशीन आ गई, फिर अल्ट्रासाउंड की मशीन भी तो आप ही लेकर आई? हाँ, अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड वो भी मैं बॉस्टन में ही थी, तो एक ये मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन आई, बेसमेंट में पड़ी हुई थी। अच्छा। तो एक फैकल्टी मेम्बर ने मुझे कहा,
तुम्हें और कुछ काम नहीं है तो ये एक नई मशीन आई है, तो जाके इसको देख लो, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो फिर मैं बेसमेंट में गई, मशीन को देखने की कोशिश की, कुछ कुछ समझ नहीं आई। तो एक फैकल्टी मेंबर आया, उसने कहा कि अगर तुमने अल्ट्रासाउंड सीखना है तो गो टू यूरोप, यहाँ कुछ नहीं है अल्ट्रासाउंड में। तो मैंने कहा कि यूरोप तो मैं हुआ ही हूँ, अब तो मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँगी, पर मुझे एड्रेस दे दो कहाँ जाऊँ यूरोप अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए। तो उसने मुझे हेलो हॉस्पिटल डेनमार्क का एड्रेस दिया, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न अल्ट्रासाउंड। तो मैंने रख लिया। उस वक़्त ये ज़रूरी था क्योंकि पैसे मिल रहे थे 54 लाख, अल्ट्रासाउंड मशीन तो 3-4 लाख की उस वक़्त आ जाती थी। तो हमने कहा पहले ये सीटी तो ले लें, तो सीटी ले ली, तो फिर कोशिश की अल्ट्रासाउंड लेने की। और फिर अल्ट्रासाउंड तो रेडियोलॉजी में चाहिए था, गाइनी ऑब्स्टेट्रिक्स में चाहिए था, कार्डियोलॉजी में चाहिए था, बहुत लोग थे मांगने वाले अल्ट्रासाउंड, बट सीटी तो हमने ही मांगनी थी। तो हमें पहले सीटी मिल गई और अल्ट्रासाउंड बाद में मिला। तो डॉक्टर साहब, फिर जब आप ये सब कर रही थी, जाहिर है प्रोफेशन में आप होते काफ़ी बिजी भी रहते हैं, फिर अपनी निजी ज़िंदगी कैसे आपने मतलब शुरू की, आपके हस्बैंड से आपकी मुलाकात कैसे हुई, और फैमिली के साथ साथ ये सारा काम फिर कैसे चला आगे? आई थिंक मैं सोचती हूँ लुकिंग बैक कि एम्स ने रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना दिए थे पहले, अस्पताल बाद में आया। तो मेन चीज़ तो यही रही कि क्योंकि रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे, आप घर से हॉस्पिटल पहुंचने में 5 मिनट लगते थे, तो इतना स्ट्रेस नहीं था कि सड़क पे रहोगे, टाइम आधा टाइम सड़क पे निकल जाएगा। डोमेस्टिक हेल्प इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं थी, तो आई वाज लकी, अच्छी डोमेस्टिक हेल्प मिल गई। I had 2 children in that situation, and I would walk to work and walk back to work. Physical exercise तो हमारी यही हो जाती थी, सुबह गए वापस आए, लंच घर में खाया, फिर गए वापस आए। So physical exercise from the beginning was always there. Once you got to the hospital में भी physical exercise होती रहती थी। तो डॉक्टर साहब, ये जो इतने सारे स्कैन्स जो आप बता रही हैं, उस समय में तो थे नहीं, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे स्कैन्स हैं। कई बार पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि अब डॉक्टर के पास जाओ तो वो स्कैन्स में ही उलझे रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें, उनको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे है कि हर एक टेक्निक में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इतनी जो न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, अब जैसे अल्ट्रासाउंड है, वो बिटवीन मदर एंड चाइल्ड बेस्ट यूटिलिटी अल्ट्रासाउंड की वहाँ है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनी। तो सीटी उनको देना नहीं है बिकॉज इट्स रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, तो यू हैव टू चूज। उसके बाद एमआरआई आ गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो भी रेडिएशन फ्री है, आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। फिर आइसोटोप स्कैन आ गया, उसके बाद पेट स्कैन आ गया। तो हमारी एक्सपर्टीज़ तो इसमें है कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, आप वो टेक्निक यूज़ करें एक पेशेंट के लिए जिसमें आपको मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट। सो दिस इज़ दी फिलॉसफी। लेकिन इसमें मेडिकल एथिक्स की भी कई बार बात आ जाती है। हाँ। हमने देखा है बहुत महंगे महंगे स्कैन्स हैं और कई बार फालतू में ही करवा दिए जाते हैं। पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि बहुत सारे स्कैन्स करवा दिए, समझ फिर भी डायग्नोस फिर भी कुछ नहीं हो पाता। ये सारी जो चीज़ें हैं, उनको आप तो इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए? हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और ये डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आज मैं एडमिशन लेना चाहूँ रेडियोलॉजी में,
तो गवर्नमेंट की तो लिमिटेड सीट्स है, MCI अप्रूव करती है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट लिमिटेड सीट्स इन रेडियोलॉजी। तो अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इतने आ गए हैं, टू गेट एडमिशन इनटू रेडियोलॉजी इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 4 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मतलब पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ने के लिए। अगर मैंने 4 करोड़ रुपया खर्चा है पढ़ने के लिए, तो मुझे वो वापस भी तो कमाना है, कैसे कमाऊंगी? तो ये तो हमने बना दिया है कि 4 करोड़ कमाऊं अगर मैं लगाऊंगी, 4 करोड़ तो मशीन की एक्सपेंस है, ऐसे आज का अगर MRI लो तो 4 करोड़ का है, आप पेट स्कैन लो तो 10 करोड़ का है, आप CT स्कैन लो तो 2 करोड़ का है, फिर प्रेमिसेस भी चाहिए वेयर यू विल फंक्शन। सो ऑल दिस हैज़ मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड कि अगर मैं किक बैक नहीं लेती तो मैं तो मशीन चला नहीं सकती। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? दिस गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि इन द एजुकेशन वी एक्सपैंड एजुकेशन टू द एक्सटेंट दैट सप्लाई एंड डिमांड, इफ़ यू हैव अ सप्लाई, इफ़ द डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, तो यही होगा। सो दिस इज समथिंग गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक हेल्थ केयर, और रेगुलेशन लगाएं बेसिक हेल्थ केयर के लिए, आपको अल्ट्रासाउंड काफ़ी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाओ अल्ट्रासाउंड से काम चलेगा, CT की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में यू प्लेस अ CT, एंड इन द मेडिकल कॉलेजेस CT, MR जो हाई एजुकेशन है उसमें सब कुछ मिलना चाहिए। सो वी कैन डिवाइज इट लाइक दैट। डॉक्टर साहब, ओवर द ईयर्स मेडिकल प्रोफेशन में आप किस तरह के चेंजेस को देखती हैं? अक्सर लोग पहले कहा करते थे कि डॉक्टर नब्स पकड़ता था, चेहरा देखता था, उसी से ही बता देता था कि मरीज़ के अंदर क्या है। हाँ। जाहिर है इतनी सारी एडवांसमेंट हो चुकी है और वो ज़रूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं हावी होती हुई नज़र आ रही है। अक्सर लोगों को डॉक्टर का वो चेहरा और वो मिजाज अब नज़र नहीं आता। उसका भी रीज़न है ना कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा कुछ आपको बता देती है कि जो एवरेज डॉक्टर अब ट्रेन होता है उसको स्टेथोस्कोप यूज़ करनी तो आती नहीं, सामने CT स्कैन नज़र आता है, तो उसने तो लंग्स देख ली CT स्कैन में, तो उसका रिजल्ट ये है जो क्लिनिकल स्किल्स हैं दे हैव गॉन डाउन। दैट इज़ वाई वो जो फैमिली फिजिशियन था वो ख़त्म हो गया, वो हमने ख़त्म किया है, आर एजुकेशन सिस्टम ने फैमिली फिजिशियन को ख़त्म कर दिया है। तो चेंज, ड्रास्टिक चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्टर बैक। डॉक्टर यूज टू सुपरवाइज बर्थ एंड डेथ, बट नाउ machines do what the doctor is supposed to do. So we have to bring that back. It is a profession of compassion. It is not a profession of making money. But if I spend crores on admission, what do you expect me to do? तो डॉक्टर साहब, अब आप 85 की एज में दो दो इंस्टीट्यूट्स को आप संभाल रही हैं, एक जगह आप एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हैं, एक जगह आप जो आपका अपना काम है रेडियोलॉजी उसको आप परस्यू कर रही हैं, तो इस दिनचर्या में वक्त बचता है अपने आप के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए? हाँ बिल्कुल, अपना टाइम मैनेजमेंट वो भी सीख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लाइफ पीरियड के भी हाउ टू मैनेज योर टाइम। आई एम क्वाइट हैप्पी डूइंग बोथ, कोई मुझे कभी ऐसी थकावट नहीं हुई कि मैंने इतना काम कर लिया या नहीं किया। फिजिकली आई एम फिट, योगा करती हूँ सुबह, दो नॉट वेरी रेगुलरली, आई हैव अ प्लान्ड नॉर्मल डाइट, तो आई परस्यू हॉबीज़। मेरे पास बोनसाई इतने हैं, आई डू ग्रो bonsais. I love the garden and flowers, so I take interest in that. ये सब करती हूँ, बाकी पढ़ती हूँ,
I enjoy reading books, professional and otherwise, or life improvement books. I read a lot of them. जी तो डॉक्टर साहब अब क्या करना चाह रही हैं? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है अभी जिसको आप सोचती हैं मैं ये भी पूरा करूं? एक रिग्रेट मेरी रही है वो ये है कि मैंने किताब नहीं लिखी रेडियोलॉजी पे. ये मेरी रिग्रेट रही है क्योंकि वैसे तो एक्सक्यूज़ है, लिख सकती थी. आई वुड से कि मैंने कोशिश शायद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी टू राइट अ बुक. That is a regret I have. I don't know whether I'll be able to write it now. It does not look possible ke ab main at this stage kitab likh saku. But that's a regret I'll carry. हमें उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. अगर आप कोशिश करेंगी तो किताब भी लिख पाएंगी. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहा भार्गव हमसे बात करने के लिए और तेजस्विनी में आने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू मैम. तो ये थी डॉक्टर स्नेहा भार्गव हमारी आज की तेजस्विनी. अगले हफ्ते एक और इंस्पायरिंग तेजस्विनी से आपकी हम मुलाकात कराएंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.